ऐसा बहुत ही हमारा इतना पुराना और सब इस तरह का संबंध है, तो इसलिए जब उनका निधन, देखिए बहुत कम समय में उनका निधन हुआ, ये बहुत दुख की बात है। तो हमारा सदैव रहेगा, जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा। यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को, सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान सहित तमाम जितने नेता हैं उन्होंने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनकी जयंती पर उन्हें याद किया है और माल्यार्पण किया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैसे में पहले वाली बीजेपी क्या वो है? अब वाली बीजेपी काफ़ी बदल गई है, क्योंकि जब अरुण जेटली थे उस वक्त नीतीश कुमार भी एनडीए में साथ थे, लेकिन अब जब नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं और कलकत्ता में जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है उसमें डिप्टी सीएम जा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर, साथ ही साथ सीबीआई जो फिर से जाँच शुरू कर रही है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनिए। ये भी और विभिन्न राज्यों के लिए भी और एक एक चीज के लिए बहुत अच्छा काम किया और उनके प्रति हमारा प्रारंभ से ही उनके प्रति एक मेरा आदर का भाव है। और आप जानते हैं जो हम लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे थे बिहार में, तो याद करिए ना भाई, 2005 2010 सब में यही ना रहते थे, और जब घूम घाम करके आते थे तो रात में हम लोग एक साथ बैठते थे, तो उनके साथ बहुत ही हमारा इतना पुराना और सब इस तरह का संबंध है। तो इसलिए जब उनका निधन, देखिए बहुत कम समय में उनका निधन हुआ, ये बहुत दुख की बात है। उनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोगों को बड़ा तकलीफ था, अब वो उनका निधन हो गया तो ये दुख की बात है। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए था, इतना मेहनत और इतना काम करते थे, तो ये बड़ी दुखद बात है। उनका निधन हो गया, उसके बाद हम लोगों के मन में ये बात आया कि हम लोग उनके लिए भी एक हमेशा करेंगे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय समारोह होगा, तो वही होता है। और हम लोगों ने 19 में ही इसको स्थापित कर दिया, आपको तो पता ही है, और तब से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा, जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये कर ही रहे हैं और सब लोगों की सहमति मिली है और देख रहे हैं कि सब लोग भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। छोड़िए उस पर चर्चा की, यात्रा पर जा रहे हैं सर, घूमेंगे तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे सर, तो शुरू करेंगे, हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके ही लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है, हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे सब, कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाएगा, वो पूरा फाइनल हो जाएगा आज कल में। तो नमामि गंगे की बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसको आप स्किप कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है, तो ये आप लोगों को पता नहीं है, आप पिछली बैठक में कौन गए थे, पिछली बैठक में हम लोगों के समय के कौन थे, वही आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को, सुशील मोदी जी ही गए थे, इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। ये आप जरा बोलिए, अब कोई कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है, आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो वो उस समय कौन गए थे, कानपुर में वही करे, तो वहां पर कौन गए थे, और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग, तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे, लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी, 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है, तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर, तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए ये सब बात किया जाएगा। सर कोरोना का सर
देखिए कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है, और देखिए हम लोगों का तो जीरो हो गया था, अब फिर बढ़ गया है बाहर से जो आ रहे हैं, तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे, जांच आप देख रहे थे 40,000-50,000 हमेशा करते रहते थे, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था लेकिन अलर्ट रहना है, और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सब तरह का इंतजाम बात कर सर। कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर, कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर खत्म हो गया है? नहीं, तो वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4,000-5,000 जितना भी 3,000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई अब आ रहा है तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो इंतजाम करना चाहिए, तो हमारे पास जो भी है उसके आधार पर तो हम कर ही रहे। सर सीबीआई एक बार फिर से केस ओपन कर दिया, केस लालू जी पर आईसीसी जगह जो मुकदमा था एक बार फिर से वो जांच करेगी। सीबीआई एक बार फिर से केस ओपन किया है सर, क्या कहेंगे? सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और आईआरसीटीसी मामले को लेकर। सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है, और क्या। तो तमाम विभिन्न मुद्दों पर नीतीश कुमार ने खुलकर अपनी बातों को रखा है, आपने सुना है अरुण जेटली की आज जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और बताया भी है फर्क कितना बीजेपी में फर्क आया है, लेकिन महागठबंधन जब से साथ आया है उसका ही एक्शन है ये जो सीबीआई अब तेजी से जाँच कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।